बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ कोरमा। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हो जाता है। चलें आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने बीफ ले लिया है। अब मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, इसको इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर, उसके बाद ये प्याज है ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, हरी मिर्चें, लहसुन। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, ये दालचीनी और मोटी इलायची है ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, टमाटर, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसका ढक्कन दे के हम इसे उबाइल होने के लिए रख देंगे। गोश्त हमारा उबाइल हो चुका है, ये देखें। अब हम इसमें ऐड करेंगे जड़ा मिर्चें, हल्दी, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद ये घी है, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घी हमने इसमें डाल लिया था, अब हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। उसके बाद ये ज़ीरा पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, बहुत ही मज़ेदार बीफ कोरमा हमारा तैयार हो गया। अब हम डिश आउट करते हैं। इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, दिल कर रहा है बस अभी खा लें। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, थोड़ी ही देर में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। ये देखें, लुक भी बहुत अच्छी आई है। आई होप कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई है। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।